एग्जाम्पल है, ये एक थोड़ा सा एक स्टेप ट्रिकी एग्जाम्पल है जो गलत हो सकता है अगर आप ध्यान से ना देखें। इसमें ये मेंशन्ड है कि इलेक्ट्रिक फील्ड 300 न्यूटन पर कूलम के हैं, तो ये को डायग्राम दिया हुआ है। मैं डायग्राम से एक चीज़ देख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव एक्स एक्सिस में है। मैं ये भी देख सकता हूँ कि इलेक्ट्रिक फील्ड कांस्टेंट है, वैसे वैल्यू में पता लग रहा है कांस्टेंट 300 है, पर स्पेसिंग भी बराबर है। मुझे डायग्राम से भी पता लग रहा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड चेंज नहीं हो रहा। फिर मुझे ये भी पता लग रहा है कि इस डायग्राम में तीन पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। यहाँ पर कुल मिला के तीन पॉइंट्स हैं ए बी सी, जिसके कोऑर्डिनेट्स आपको गिवन है। आपको पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है कहाँ पे, बी और ए में, सी और बी में, सी और ए में। तो पहले पोटेंशियल डिफरेंस निकालते हैं बी और ए में, बी और ए में बोलो क्या होगा। बी और ए में आपको ऐसा फील तो नहीं आ रहा कि ए का पॉइंट बी के नीचे है? हाँ लग रहा है ना। तो अगर मैं एक लाइन यहां पे ड्रॉ करूं, इस लाइन को क्या बोलेंगे, इक्वी पोटेंशियल लाइन। तो वी की वैल्यू क्या रहेगी इनमें, सेम। तो यानी कि बी का एंड ए का पोटेंशियल क्या रहेगा, सेम। तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या आएगा इनका, जीरो। तो आंसर पहला क्या आएगा, वी बी ए का जीरो। समझ में आया यहां तक, एप्लीकेशन समझ में आ गई, ये एप्लीकेशन है इसकी। फिर आगे सुनो, सी और बी निकालो। चलो ठीक है, नेक्स्ट चेंज करते हैं क्वेश्चन। सी और बी निकालो, ये बी पॉइंट है और ये सी पॉइंट है। तो पहले मुझे ये बता दो, सी का पोटेंशियल बड़ा है कि बी का बड़ा है? बी का बड़ा है, क्योंकि लाइन मेरी तरफ आ रही है और लाइंस की तरफ जाओगे तो पोटेंशियल गिरता हुआ नजर आएगा, बी से सी डिक्रीज होगा। तो वी भी बड़ा है, वी सी छोटा है, चलो फर्क कोई नहीं पड़ता। चलो आप बी से सी पे चलो, है ना। कोई देखो, नॉर्मली मैं इसमें फॉर्मूला लगाने क्या वाला हूँ, ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स लगाने वाला हूँ, ये तो आपको आइडिया हो ही गया। अब इसके अंदर जब मैं ये फॉर्मूला लगाऊंगा तो एक्स एक्सिस पे लगाऊंगा, तो फॉर्मूला क्या यूज करूंगा, डी वी बाई डी एक्स। ठीक है, आप ये बताओ डी वी क्या पुट करूँ, क्योंकि मैं बी से सी पे आ रहा हूँ तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है। तो वी सी माइनस वी वी, वी सी माइनस वी वी, कोई डाउट इसमें? तो अगर मैं बी से सी पे जाऊंगा तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, वी सी माइनस वी बी डिवाइडेड बाई एक्स कोऑर्डिनेट माइनस करें, फाइनल एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, माइनस थ्री, इनिशियल एक्स कोऑर्डिनेट कितना है, फोर। तो क्या आएगा, माइनस थ्री माइनस फोर, फाइनल माइनस इनिशियल, कोई डाउट इसमें? राइट, सबसे इंपॉर्टेंट ये है, ये तो आप कर लोगे। इलेक्ट्रिक फील्ड की जगह क्या पुट करें, 300। इलेक्ट्रिक फील्ड ज्यादातर क्या 99.99% क्वेश्चन में होते ही एक्स में है, पॉजिटिव एक्स में है। ये पहला क्वेश्चन है जो नेगेटिव एक्स में है। अब प्रॉब्लम ये है कि मैं तो सॉल्व कर रहा हूँ स्केलर में, आई कैप अगर जे कैप होता तो मैं लगा देता माइनस आई कैप, पर यहां पर मैं क्या लगाऊंगा, माइनस 300। याद रखना, जब मैग्नीट्यूड कैलकुलेशन होगी, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड राइट होगा तो प्लस 300, अगर इलेक्ट्रिक फील्ड लेफ्ट होगा तो माइनस 300, ऐसे मैग्नीट्यूड निकलेगा। सॉल्व करके वी सी माइनस वी बी निकाल लेना, वही क्या माना जाएगा, डेल्टा सी वी सी बी। ये इंपॉर्टेंट है इसमें, बस समझ में आ रहा है यहां तक कि क्या रूल लगेगा। तो मैंने लिखा हुआ है इसमें, देखो सेकंड पॉइंट में माइनस 300 पुट करना, बाकी तो मैंने बता ही दिया, सॉल्व करके क्रॉस मल्टीप्लाई करके आंसर आ जाएगा। और उसी तरीके से लास्ट में क्या निकालना है, डेल्टा वी सी ए, एक पॉइंट सी एक पॉइंट ए। कितने लोग एग्री करते हैं कि वी सी माइनस वी बी या वी सी माइनस वी ए का मतलब एग्जैक्टली सेम है? सेम है, सेम है ना, क्योंकि ए बी और ए पॉइंट का पोटेंशियल सेम है। तो जो आपने ए पार्ट निकाला था सी और बी का, वही पार्ट सी और ए का, आंसर रिमेंस सेम, फर्क ही नहीं है, क्योंकि बी और ए का पोटेंशियल सेम है। तो चाहे तो पोटेंशियल डिफरेंस वी सी माइनस वी बी निकाल लो या वी सी माइनस वी ए निकाल लो, आंसर सेम ही आएगा। स्टेप समझ में आया क्या किया इसमें? ठीक है, नेक्स्ट। जैसे सपोज क्वेश्चन में ये गिवन है, इसका आंसर चेक करें आ रहा है कि नहीं आ रहा, लगा लें। माइनस की प्लस, इसी में गलती हो जाएगी, आंसर माइनस है, गलती हो जाएगी, ऑब्जेक्टिव में प्लस माइनस में चक्कर पड़ जाएगा।
और दोनों ऑप्शन होती हैं प्लस माइनस में। डायरेक्शन ध्यान से ये देखो, कोई भी एक पॉइंट चूज कर लो, आपको क्या करना है, पोटेंशियल डिफरेंस निकालना है ए और सी में। तो ये ए पॉइंट है और ये सी पॉइंट है, ए पॉइंट और सी पॉइंट है। ए और सी पॉइंट में पहले ये बताओ कि ए और सी पॉइंट, सी और बी का पोटेंशियल एग्जैक्टली सेम है, ये तो बात मानते हो। तो यानी कि पोटेंशियल डिफरेंस ए बी में निकाल दें। तो एक काम करते हैं, ए से लेके बी तक चलते हैं, तो ये मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है। तो इस डायरेक्शन में ई इज इक्वल टू माइनस डी वी बाई डी एक्स लगा लेते हैं। ई का फॉर्मूला पॉजिटिव में, क्योंकि लाइंस राइट की तरफ है, अगर लेफ्ट होती तो माइनस में। तो कितना, ये मैंने ई पुट किया, डी वी बोलो क्या होगा, डी वी, डी वी में फाइनल पॉइंट कौन है, वी बी, इनिशियल कौन है, वी ए, तो फाइनल माइनस इनिशियल। और डिस्टेंस में ये एक्स एक्सिस है, इनके बीच में दूरी कितने की बन है, ये 5 है, 3 है और ये 4। तो डी एक्स की जगह सीधा 4 × 10^-2 सॉल्व कर ले, वी बी माइनस वी ए की वैल्यू आ जाएगी, यही निकालना है, एक ही बात है। बी की जगह सी भी कर सकते हो, तो बी की जगह सी करोगे तो वी सी माइनस वी ए आ जाएगा, एक ही बात है, तो वी सी माइनस वी सी आ जाएगा। तो याद है ना, बी का और सी का पोटेंशियल सेम है। तो ऐसे कर लो, यहाँ पे वी सी कर लो, ये देखो ऐसे कर लो, इज इक्वल टू 4 × 10^-2 क्रॉस मल्टीप्लाई करो आंसर, तो वी सी माइनस वी ए कैन बी कैलकुलेटेड। पर अगर आप वी सी माइनस वी ए निकालते हैं तो आंसर नेगेटिव में आएगा, पता है क्यों, वी सी वी ए, वी ए बड़ा है वी सी छोटा है, क्योंकि इलेक्ट्रिक लाइन्स ऑफ फोर्स की तरफ जाएंगे पोटेंशियल कम होता जाएगा, तो सी ए का पोटेंशियल बड़ा है और सी का छोटा है, तो इसीलिए तो इनका डिफरेंस क्या आना चाहिए, नेगेटिव, क्योंकि सी छोटा है ए बड़ा है, ठीक। लेकिन कई लोग इसमें वी ए माइनस वी सी निकालेंगे तो आंसर क्या आएगा, पॉजिटिव, दो आंसर निकल सकते हैं, पॉजिटिव नेगेटिव दोनों, इसमें डिपेंड करता है कि आपने क्या इसमें माइनस करके निकाला। समझ में आ रहा है कि कैसे अप्लाई करना है, ठीक है यहाँ तक। तो ये इसकी एप्लीकेशन है, ये ऑब्जेक्टिव में मिल जाएगा, इसमें करने की ज़रूरत नहीं है, ये भी ऑब्जेक्टिव मिलेगा। ये मैंने आपको बता दिया कि अगर कोई भी लाइन इक्वी, मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड ऊपर की तरफ है और आप एक लाइन ड्रॉ करते हैं विच इज़ परपेंडिकुलर टू इलेक्ट्रिक फील्ड, तो ये लाइन क्या होगी, ई की पोटेंशियल लाइन होगी, ताकि वी की वैल्यू सबके ऊपर क्या रहेगी, एग्जैक्टली सेम। मैंने बता दिया ये रिजल्ट, ये करने की जरूरत नहीं है। ये क्वेश्चन देखें, इस क्वेश्चन के अंदर देखें प्लीज क्या किया, तो क्या क्वेश्चन है, आपको इसमें क्या निकालना है, मैग्नीट्यूड ऑफ ई निकालना है, ये बात समझ में आती है। देखो ये क्वेश्चन थोड़ा डिफरेंट है नॉर्मल से, क्यों डिफरेंट है मैं बताता हूँ, जितने क्वेश्चन खोल के देख लो बुकलेट में, या तो इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है या इधर है या ऊपर है या नीचे है, इसमें टेढ़ा है, पहला क्वेश्चन टेढ़ा है। अच्छा ये बताओ कि अगर सपोज करो इलेक्ट्रिक फील्ड, चलो इलेक्ट्रिक फील्ड तो नहीं कहूँगा, ये इक्वी पोटेंशियल लाइन्स हैं, कुछ लाइनें ड्रॉ कर रखी हैं, ये 10 वोल्ट की लाइन है, ये 20 वोल्ट की लाइन है, यानी कि हर पॉइंट पर पोटेंशियल 20 वोल्ट है और इसके अंदर ये पोटेंशियल 30 वोल्ट का है, क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो पोटेंशियल की वैल्यू सब पे सेम रहेगी, जैसे मैंने बताया, इसमें कोई डाउट है इसमें। ये बताओ कि इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू ऊपर जाएगी कि मेरी तरफ नीचे आएगी, ऊपर जाएगी, क्यों, डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ जाएगी, क्योंकि पोटेंशियल 30, 20, 10 ऊपर कम हो रहा है तो लाइंस ऊपर जाएंगी, और लाइंस जो इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्स है वो इक्वी पोटेंशियल लाइंस के हमेशा कितने एंगल पर होंगी, 90। तो देखो ये स्टेप क्लियर है, लाइंस मैंने पेन से ड्रॉ की जो कि 90 डिग्री पे होंगी, तो मैंने स्केल लिया, इनके ऊपर 90 डिग्री पे ये लाइंस ड्रॉ कर दी, लाइंस ड्रॉ कर दी, तो मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड डिक्रीजिंग पोटेंशियल की तरफ चला गया, पॉइंट नंबर वन क्लियर है, ये समझ में आता है। मुझे इसमें ई निकालना है। नॉर्मल क्वेश्चन में क्या होता है, आप कोई भी ना, आप बेसिकली ई निकालने के लिए आपको कुछ नहीं आता, ए की फॉर्मूला आता है माइनस डी वी बाई डी आर, और तो कुछ है नहीं करने वाला। डी वी की वैल्यू किन्हीं भी दो इक्वी पोटेंशियल सर्फेस को पकड़ लो, चाहे तो इसको इसको पकड़ लो, चाहे इसको पकड़ लो, चलो मैं इन दोनों को पकड़ता हूं, ठीक है, इन दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस बोलो कितना है,
या 20 माइनस 10 या 10 माइनस 20, जैसे भी मान लो मैं यहां से यहां जा रहा हूं तो मेरा इनिशियल पॉइंट है, ये मेरा फाइनल पॉइंट है, तो पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा 10 में से 20। डी आर क्या होगा, डी आर ये होगा इनके बीच में, डी वी तो आ गया, डी आर भी होगा। अब प्रॉब्लम ये है मेरे को ये डिस्टेंस गिवन ही नहीं है, चेक कर लो मेरे को डिस्टेंस नहीं गिवन, मेरे को रादर क्या गिवन है, मेरे को ये डिस्टेंस गिवन है, मेरे को चाहिए ये डिस्टेंस टेढ़ा, पर मेरे को क्या गिवन है ये डिस्टेंस, देख रहे हो। तो इमेजिन करो मैं अगर ये लाइन कंसिडर करता हूँ तो इस पॉइंट पे यहाँ पर 10 वोल्ट का पॉइंट है, ये जो पॉइंट है ये कितने वोल्ट का पॉइंट है 20 वोल्ट का पॉइंट है, और अगर मान लो मैं यहाँ से यहाँ आ रहा हूँ 10 से 20 किस एक्सिस पे, एक्स एक्सिस पे, और मैं फॉर्मूला लगाना चाहता हूँ ई इज माइनस डी वी बाई डी एक्स, तो फॉर्मूला लग नहीं पा रहा, वो इसलिए क्योंकि मेरा डी आर तो इस तरफ है और मेरा इलेक्ट्रिक फील्ड इस तरफ है, ये रहा, और ई वेक्टर और डी आर वेक्टर में एंगल क्या है, ये 30 डिग्री गिवन है, ये 90 है, तो कुल मिला के कितना हो गया 120। फॉर्मूला रजिस्टर चेक कर सकते हो, जिन क्वेश्चन में ई और डी आर में एंगल जीरो नहीं होता, 90% क्वेश्चन में जीरो ही होता है, तो उसमें फॉर्मूला क्या लगता था ई इज माइनस डी वी बाई डी आर, लेकिन जिनमें जीरो नहीं होता उनमें क्या लगता है ई कॉस थीटा इज माइनस डी वी बाई डी एक्स, चेक कर लो रजिस्टर, मैंने बताया था, और इकलौता यही क्वेश्चन है जिसमें ई और डी आर में एंगल जीरो नहीं बन रहा। जितने क्वेश्चन हमने किए अभी तक इलेक्ट्रिक फील्ड राइट था, पॉइंट भी राइट थे ए एंड बी, तो ये देखो डी आर ये रहा, तो ई और डी आर में एंगल हर वक्त क्या बनता रहा था, जिस मर्जी क्वेश्चन में चेक कर लो जीरो ही बनेगा, क्योंकि आपने दो पॉइंट इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग ही लिए हैं हमेशा, आपने कहीं ऊपर नीचे तो लिए नहीं, तो इलेक्ट्रिक फील्ड के अलोंग लेंगे तो आंसर ई और डी आर में जीरो ही बनेगा। लेकिन ये पहला क्वेश्चन है जिसके अंदर ई वेक्टर तो बन गया इस तरफ और दो पॉइंट के बीच में ये एक पॉइंट ही आ गया, ठीक है, ई और डी आर, क्या ये पॉइंट क्लियर है, तो इसके अंदर ई कॉस 120 बनेगा क्योंकि ई और डी आर में एंगल क्या है 120, तो ई कॉस थीटा 120 इज माइनस डी वी बाई डी एक्स। डी वी क्या होगा, क्योंकि आप यहां से यहां जा रहे हैं मतलब 10 वोल्ट से 20 वोल्ट पे जा रहे हैं, ये आपका इनिशियल पॉइंट है, ये आपका फाइनल पॉइंट है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, डिस्टेंस के अंदर फाइनल माइनस इनिशियल 20 माइनस 10 कॉस 120 मैथ्स में माइनस हाफ होता है, इसे सॉल्व करके ई की वैल्यू कैन बी कैलकुलेटेड। तो ये इकलौता ट्रिकी क्वेश्चन है, आपको दूर से चमकेगा हर ऑब्जेक्टिव बुक में जिसमें लाइन स्टेडी दिखेंगी उसमें ई कॉस थीटा ही लगेगा।